काल में रीत ग्रंथों का निर्माण हुआ, श्रृंगार रस की प्रधानता थी। ये रीत काल की प्रवृत्ति अगर आज है तो लिख देना कि रीत ग्रंथों का निर्माण हुआ, श्रृंगार रस की प्रधानता थी और काव्य भाषा के रूप में ब्रज भाषा की प्रतिष्ठा और व्यापक प्रसार, सवैया और जो है दोहा छंदों का प्रचुर प्रयोग, ये सब उसकी विशेषताएं हैं, प्रवृत्तियां हैं। प्रकृति का उद्दीपन रूप में चित्रण और आश्रयदाताओं की प्रशंसा, जैसे बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में रहते थे वो एक दरबारी कवि हो गए, और अर्थ गौरव चमत्कूत है ना, घनानंद है जैसे। तो बिहारी जी ने राधा कृष्ण के विषय में बहुत गाया और इनकी रचनाएं रीतिबद्ध नहीं है, है ना। उनमें से बिहारी आते हैं, घनानंद आते हैं। एक बार मैंने आज और देखा, हमने ALY मैनपुरिया लखनऊ ब्रांच में कक्षा 9 के बच्चे बहुत अच्छा काम करते हैं और बड़े ही मन लगा के पढ़ते हैं, हमको ये बड़ा बहुत अच्छा लगा। और उनके अंदर पढ़ने का चस्का जगाया है जूनियर के टीचरों ने, और सबसे बड़ा योगदान है हुमा मैम का, जो कि प्रिंसिपल मैम आज खुद कह रही थी, उनकी प्रशंसा कर रही थी। देखो भैया, देखो ऐसा है, हम बड़ी मेहनत से नहीं पढ़ाते हैं, सब्सक्राइबर कर दिया करो, लाइक एंड बेल घंटी बजा दिया करो, है तो मज़ा आ जाए, क्योंकि बच्चे सपोर्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और भाई हम ये कहेंगे कि मेरे विद्यालय जो बच्चे हैं 9th के, बहुत सुपर, फर्स्ट ईयर के भी अच्छे हैं, इंटर के भी अच्छे हैं, हाई स्कूल के भी अच्छे हैं, लेकिन 9th के बच्चे भी छोटे छोटे फिर भी इतना अच्छा काम किया। तो एक तो लॉकडाउन, ऑनलाइन पढ़ाई, फिर भी उन्होंने ऑफलाइन से ज़्यादा हमको काम करके दिखाया। भाई मैं और विषय की बात नहीं करता, हिंदी की बात कर रहा हूँ, है ना। तो जो उम्मीद हमने उनसे किए तो उम्मीद से भी ज़्यादा वो खरे उतरे। एमा जो है उन टीचरों का योगदान है, हम उन्हें धन्यवाद देना चाहते हैं। और मुकुट की चंद्रिकनु यौ राजत नंद नंद, अमनु शशि शेखर की अकस की शेखर सत चंद। पहली बात तो बच्चों, ये दोहा है, दोहा में चार चरण होते हैं, पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं। और जहाँ पर मनु मानो जनु जानो ज्यों त्यों, इन शब्दों में से कोई एक भी शब्द आए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए यहाँ पर मोर मुकुट में पहली बात तो अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक अक्षर कई बार आए वहाँ पर अनुप्रास अलंकार। मोर मुकुट की चंद्रिकन बच्चों यो राजत, राजत माने क्या होता है, शोभा देता है, अच्छा लगता है। शशि शेखर एक शब्द आया, शशि शेखर जिनके सर पर शशि हो चंद्रमा हो, अर्थात शंकर भगवान, या बहुबरी समास है कि अकस। अकस माने क्या होता, प्रतिद्वंदिता, है ना, कंपटीशन अंग्रेजी में कहते हैं, ऐसे हिंदी में यहाँ प्रतिद्वंदिता। और कि शेखर सतचंद, शेखर माने क्या होता, शिखा पर, मैंने बताया। और सतचंद्र माने बच्चों होता है सैकड़ों चंद्रमा, संदर्भ वही लिख देना, प्रसिद्ध हुआ हमारी पाठ पुस्तक कक्षा 10 हिंदी के भक्ति नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता राजा जय सिंह के दरबारी कवि बिहारी लाल जी है। तो बच्चों यहाँ पर जो है, इस यहाँ पर प्रसंग में ये लिखना कि प्रस्तुत दोहे में कवि ने श्री कृष्ण के सिर पर रखे मोर मुकुट की चंद्रिकाओं, मोर मुकुट की चंद्रिकाओं का सुंदर वर्णन किया। देखो मोर के पंख में, यहाँ मोर के पंख में चंद्रमा बने रहते हैं, चंद्रिका। मोर मुकुट की चंद्रिकनु यानी भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट बहुत ही अच्छा लग रहा है। मोर मुकुट की चंद्रिकन यौ राजत माने अच्छा लग रहा है, नंद नंद माने भगवान श्री कृष्ण के सर पर जो है मोर के पंखों से बना हुआ मुकुट बहुत अच्छा लग रहा है। उन मोर पंखों के बीच में बनी हुई, मोर पंखों के बीच में बनी हुई सुनहरी चंद्राकार चंद्रमा चंद्रिकाएं, या छोटे छोटे जो मोर के पंख में चंद्रमा जैसे बने रहते हैं, वो चंद्रिकाएं देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो श्री कृष्ण के रूप में कामदेव ने
शंकर से प्रतिद्वंदितावश यानी शंकर जी से कंपटीशन करने के लिए श्री कृष्ण को यहाँ न मानो, श्री कृष्ण की जगह में कामदेव को मानो। ऐसा मालूम देता है कि कामदेव ने भगवान शंकर से जो है बढ़ करके प्रतिद्वंदिता के कारण सैकड़ों चंद्रमा अपने सिर पर लगा लिए हों, है ना। देखिए बच्चों, शंकर भगवान ने कामदेव को जलाया था, शंकर भगवान ने कामदेव को जलाया था, अतः जो कामदेव है वो उनसे द्वेष करता है। भाई जैसे मान लिया कोई तुम्हारा नुकसान करेगा तो तुम्हारे अंदर खिलाफत उसके लिए पैदा होगी, तो कामदेव भी शंकर जी के खिलाफ रहता है क्योंकि उन्होंने उनको जलाया था कामदेव को। इसलिए जहाँ शंकर जी अपने सिर पर एक चंद्रमा धारण करते, देखो शंकर जी के सिर पर आधा चंद्रमा दिखाई देता है, वहाँ कामदेव श्री कृष्ण रूप में, कामदेव ने श्री कृष्ण का रूप धारण किया और सिर पर सैकड़ों चंद्रमा धारण किए हो। अब बच्चों यहाँ पर इस दोहे में, इस जो है मोर मुकुट वाले इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण को कामदेव रूप में देखा है, यानी कवि ने श्री कृष्ण को कामदेव के रूप में देखा। क्यों? देवताओं में सबसे सुंदर कामदेव हैं और देवियों में सबसे सुंदर कामदेव की पत्नी रति हैं, तो इसलिए कवि जी ने, बिहारी जी ने जो है भगवान कृष्ण को कामदेव के रूप में देखा है जो अत्यंत ही सुंदर हैं। यहाँ पर बच्चों देखो, मनमानो जन जानो और ज्यों त्यों शब्द ये छः में कोई भी आ जाए तो उत्प्रेक्षालंकार, यहाँ पर उत्प्रेक्षालंकार है, भाषा ब्रज है।